नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये है गवर्नमेंट लाइफ फार्म और यहाँ पे जुगैद पीर, मौजा जुगैद पीर में है और ये लाल सहारा से तकरीबन 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर आगे, खैरपुर टामे वाली से 13 किलोमीटर पहले राइट साइड को जो है, यानी जनूब साइड को, ये चौलिस्तान में ये यजमान का इलाका है और जुगैद पीर जो है मैंने आपको बताया, और यहाँ पे लाइव स्टॉक जो है, ये फार्म जो है गवर्नमेंट का बना हुआ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। और ये देखें होंडा साउथ है, सामने ठीक है, लियारियन ये सर, लियारियन ए लियारी जेड़ा संडा रखो है गुहे मेलन वास्ते सर। अच्छा, संडा गुहे मेलन वास्ते जे गोबर जोबर सफाई वास्ते रेड़ा बनया है ना। ए नाज़रीन, हम क्योंकि अंदर जाना जो है वो जरा इस तरह है कि फिर ये कुछ टक्कर वगैरह ना मार दे, तो इस तरह ए केड़ी दसाएवे केड़ी है चौलिस्तानी गाय सही वाले दे विच है। अच्छा, सही वाले दे विच है, सही वाल दी मां है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज है? अच्छा, ये संडा क्यों खड़े था? ये संडा खड़ा है गोबर मिलन वास्ते। अच्छा, नमी हो गई? अच्छा नहीं, गोबर। अच्छा, ये नाल पीछे सफाई, कोई सफाई करवा थे रेड़ा जोते बाहर ही रेड़े बा। अच्छा अच्छा सही भाई, मजे दी गाल है ही वे पई के जेड़े वेले चुवाई कर दे ना। हां, ए फल ए फाली डेढ़ के ने। अच्छा, फल को सडे से, फल दा ना सडे से, ओ फालू हुआ सी जंदा ना सडे से, अगु लियारी दा ना रखया है, ऊ लियारी को सडे से, ओ बुए दरवाजे दे विच आवे सी, वडी खूबी है। नाज़रीन, ये जो है, ये अदर साहब बता रहे हैं हमें कि जब ये इसका दूध दोहते हैं ना, जब ये टाइम होता है सुबह का या जब भी मगरब के बाद का, तो फिर जिस जानवर का नाम जो है, नाम रखे हुए हैं और उसका नाम पुकारते हैं, तो वही जानवर जो है वो इधर इस जगह पे आ जाता है, फिर यहाँ पे ये फिर दूध जो है वो उसका दोहते हैं। ये मशीन, ये देखें, ये चारा मशीन है, है? साढ़े 400 जानवर है इधर। ये चारे वाली जगह जो है, जिसको वैसे आम जबान में हम अपनी सुराई की जबान में खुरली खुरली आ देना, और यारियां ओ गबड़ा गबड़ा। अच्छा, एक हफ्ते बाद इधर वजन होता है, कम हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा 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 अच्छा, इनका वजन भी होता है। जेपी जुगैद पीर 4.45 यानी 45 नंबर, 45। ये देखें नाज़रीन, ये 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 इसके ऊपर नंबरिंग भी डाली हुई है, ये देखें, ये नाज़रीन, ये कानों के पीछे ये 39 लिखा हुआ है, 39/16। एक हफ्ते के बाद यहाँ पे इनका इस मशीन पे ये कंडा है, इस पे ये वजन किया जाता है, इसके अंदर ये देखें, ये हर जानवर यानी 450 जानवर इधर मौजूद है मुख्तलिफ। अब ये है गाय जो चौलिस्तानी गाय है, और यहीं पे इसी में से साहिवाल नस्ल जो है वो है निकलती है। ये देखें, ये शेड है चौलिस्तानी गाय का, और ये अच्छा इन्हों का कोई खीर था, कोई चीज खीर था, दसो खीर था, ये कितना खीर दे दी है, ये तो दसो ना ना, एक दो टाइम था ना, एक टाइम पे बस डाल ये खली। अच्छा नाज़रीन, ये भी आपको बता दें कि ये दूध जो है ना, दूध क्योंकि लाजमी आपको बताना है कि ये 10 किलो कह रहे हैं, थोड़ा ना चले हवा ना, देखो तो अपने आप नजर आवे सी, ये थान ए देखो इसका चड्डा, हवा ना देखो थान, ये देखें, और माशाल्लाह, और इसका दूध बता रहे हैं कि 10 किलो जो है वो एक वक्त 7-8-10 किलो। तुम अपना नाम भी दस सो? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन इतने पहले नंबर थे, यानी कि थोड़ी कितनी सर्विस थी? 88 तो माशाल्लाह 12 साल हो तो 33 साल थी कैसा को 33 साल तू ये जरा लाइफ स्टॉक फार्म है।
तो पहले था या जड़े वेले तुसा आए हवे ऊ वेले बने आ पहले आई ते कच्चे वाड़े ओना नु उठे बड़े तंग चले वाले तोन वाड़े पक्के मिल जाऊ उड़ा छपरे ओने पहले 88 अच्छा 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 उड़ा 80 दा सुन दे 80 तो पहले दी बुनियाद रख उड़ा शुरू तो ना छपरे ओने ए शेड जान बने ना तो हम तो जेल अच्छा अच्छा ए जड़े वेले तुसा ए बाद दफा गवर्नमेंट कोई दी सेल भी करेंदी है भी हां भी कोई आते عوام जड़ी है जिवे हुन असा आए हैं भी कोई असा पसंद करेंदे गा नहीं नहीं अच्छा ओ कहे नहीं ये बोली दे विच अच्छा बोली लग दे असा जे कडे सु जानवर हो तो नसीब विच मिलसी अच्छा ओ वाले इश्तिहार होंदे अखबार च हां अखबार च रेडियो स्टेशन ते हर शहर अच्छा वे लाइव स्टॉक जेड़ा है ना ओ आज बकरा सी रेडियो स्टेशन वाला सुन के मेरे नाज़रीन ये जब भी कोई सेल किया जाता कोई जानवर तो उसका फिर इश्तिहार अखबार में भी और रेडियो स्टेशन पे भी यानी कि उसकी अनाउंसमेंट करवाई जाती है फिर जाके वो जानवर जो है वो आम आवाम जो है उसको खरीद सकती है बाहर जानवरों की अच्छा हूँ तुसा सागो है अपना हूँ इन्हों के फल दिखो ये सारी गां अच्छा कितना रकबा है अपना अमीन भाई 208 मुरब्बा यानी कि 208 मुरब्बा जो है इस लाइव स्टॉक का अब ये देखें इनके जो हैं दूध बछड़े उनके दूध पीने वाले माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत है ये देखें हैं वाह वाह 29/21 एक क्या नंबर सागो 250 नंबर आए ना क्यों है ये नंबर है ना हर एक का नंबर नहीं इंदा भी 29/21 देखो ना अमीन भाई इंदा भी 29/21 है इंदा भी 29/21 है क्या चक्कर है एको नंबर है सोलह लिखा हुआ है आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ मेरे के लिए ये नीचे वाली इनके डेट ऑफ बर्थ हो हां वो जड़े वाले बड़े सीजन ना जे हाली नहीं लाग सकते ना तल्ले मुआ वो काम पे लगी हुई है ये देखो तल्ले ये 16 लिखा हुआ है 16 ये गबड़े हां हां अच्छा गबन काम है जे स्कूली बाला जे क्लास है ना साडे कुल इस तरीके ने क्लास है अच्छा 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 जिस तरह वाह जी वाह जबरदस्त वाला टेक्वी वाला तदानी वाला इस तरीके अच्छा ये देखे सो साफ हुए छोटे छोटे देखो कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे लग देते ये देखें नाजरीन जिस तरह स्कूल में क्लासेज लगती है ना इसी तरह यानी कि नर्सरी प्रेप 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह जब छोटा बछड़ा जो है दूजी क्लास आ गई ये देखो माशाल्लाह ये देखें जी कितना माशाल्लाह खूबसूरत है बच्चे माशाल्लाह और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं रिटायर होके ना बकरियां रखूंगा लेकिन वो मेरी ख्वाहिश नहीं अभी तक पूरी हुई भी रिटायर होके ना मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि ये देखें और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा जो था वो भी तिजारत था ये था बकरियां चराते बकरियों थ्री क्लास थैंक यू ए श्री यानी कि खीर जिन्हों को छुड़वा दे हाँ जब ये दूध से ये हट जाता है ये देखें ये इन्होंने खा का इंतजाम कहीं क्या ये चार पाए वेंदे ने शुरू चार होने शुरू कितनी खड़े में डोंदे आसन ना हां जी परले पास हुए ना ये तो भी बड़ी क्लास नामी वाले और नामी वाले जैसे ये सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं 9th और 10th वाले ये देखें माशाल्लाह बड़ी क्लास वाले उन खड़ी है ये सारे बच्चे हैं बच्चे ने ये उससे बड़ी क्लास है ये देखो बच्चों तो दिखा नहीं अच्छा बच्चे अलग हैं बच्चे अलग है बच्चियां अलग है बछड़ियां बच्चे तो पहले दिखा ठीक है ये नाजरीन जो इनके मेल हैं वो अलग हैं फीमेल अलग अलग हैं अब इनकी क्लासेस हैं दर्जाबंदी की गई है कि जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनकी दर्जाबंदी वो इकट्ठे कर दिए गए और इसी तरह जो दूध से फिर हटा दिए गए उनकी दर्जाबंदी वो मैंने आपको पहले ही बताई है ये भी हट गए हैं और माशाल्लाह ये अब तैयार है आगे बच्चे वास्ते तैयार है जी जी ना इस तो भाई बड़ी क्लास है ना ओ बड़ी ओ आ बन ओ ओ ओ ये देखें यूं ही आवाज अमीन भाई ने दी और ये देखें ये कैसे ये देखें ओ ओ आवाज को किस तरह पहचानते हैं ये ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਇਤਨੇ ਓ ਓ ਓ ਓਏ
पानी पिले सन डॉक्टर आसी दवाइयां केमिकल वगैरह जेड़ा पानी पे पानी दे देवणा होसी ओ वेच खड़वा ते पानी पिलवा ते वेसी ए जबरदस्त मालूमात है देखा हां जी अरे वजन 10 रे सिकंडा अच्छा अच्छा यार खीर कहना मिलती सबको मिल में सी थींदी चोई अच्छा ए वाल खीर तुसा किथा भी जेंदे ए वाल ठेका चढ़ता था अच्छा ठेका हो से ठीक और ये कह रहे हैं जी मेरा वजन जो है ये तू अज रुक है चढ़ाओ पैदा आओ आओ इस पास से तकाओ कितना वजन पड़ा ओ 110 तू सर ना चढ़ो ना दूसरा ना चढ़ो कैसे और ये मेरा वजन जो है ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ ये देखे कितना बड़ा खंडा है और यहाँ पे मेरा वजन जो है ये देखे ये 110 यार खंडे में वजन एंट्री होता है एक बंदा बैठा हुआ होता है सर पे सवार रहना पड़ता है किसी भी जानवर जैसे ये बच्चे की परवरिश होती है इसी तरह जानवर की परवरिश के लिए भी क्यों सर जी जी जंगल वाले पास जानवर बाहर जंगल में भी चरने के लिए जाते हैं तो ये वो फिर लोग जो हैं वो नाली चोली स्थान है ना आगे फिर इस साइड पे ना ये जुनूब साइड पे सारा चौलिस्तान का इलाका है तो ये मैं आपसे इसके साथ ही यानी आज बड़ी लाइव स्टार्ट मैंने आपको जगह भी बता दी है और उसके बारे में जो मेरे पास मालूमात मुझे अदर साहब ने और जो अमीन साहब हैं जो यहाँ पे सीनियर हैं जो मुलाजम हैं उन्होंने बताया शुक्रिया कहने से पहले आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस भी कर दें ताकि आने वाले जितने भी व्लॉग या वीडियोज़ होंगी उनको उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप प्लीज़ इनको शेयर भी कर दिया करें यानी ये दुनिया के लिए अगर हम बाहर वाले ममालिक के जानवर वगैरह उनके जो है फार्म वगैरह दिखाते हैं तो ये हमारे पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है अगर यहाँ पे भी हम अपने इन इसको इनकी ग्रोथ करें इनको बढ़ाएं फैलाएं तो पाकिस्तान जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा शुक्रिया अपना काजी अजमल साहब आज मेरे साथ हैं हसफेर दोबारा अजहर साहब का और जो यहाँ के अमला है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बड़ी मेहरबानी अल्लाह हाफिज़।